अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद जो हमारा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चल रहा है सर सैयद मेमोरियल लेक्चर, उसके सिलसिले में है अलीगढ़ बरादरी के लिए। बिलखुसूस वो हमारे दोस्त अलीग ब्रादर जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। मैं किस तरह से बताऊं, मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। इतना टफ मरहला है जूरी के लिए कि डिसाइड करें किसको हम लोग टॉप फाइनल इवेंट में पहुंचाएं। इतनी अच्छी तकरीरें आप लोगों ने दी हैं, इतना अच्छा कंटेंट, सिर्फ 5 मिनट में निकालना, उसको बोलना इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया है। राहत अब्रार साहब के आने से तो ऐसा लगा जैसे इस प्रोग्राम में चार चांद लग गए। आप इतने सीनियर हमारे पीआरओ अलीगढ़ के रह चुके हैं, इतने साल आपने अलीगढ़ में काम किया है, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने, ये साबित करता है कि एज कोई मायने नहीं रखती, जज्बा होना चाहिए। और उनके इस जज्बे ने मुझे भी काफ़ी जज्बा दिया, हौसला दिया कि हाँ हम कुछ और इससे अच्छा, इससे आगे कर सकते हैं। मैंने ये सारे जो हमारे स्पीचेस हैं वो जूरी मेंबर्स को भेज दिए हैं। हमारे पास दो जूरी, सेपरेट जूरी है, फाइनल के लिए अलग जूरी है और प्रीलिम्स के लिए अलग जूरी है। जो फर्स्ट राउंड की जूरी है वो हमारे सर सैयद ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड कमेटी है, उसके जो जूरी मेंबर्स हैं वो रेनाउंड अलीगेरियंस वर्ल्ड वाइड, आप यू नेम इट, वी हैव अ जूरी इन दैट कंट्री, चाइना, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ओमान, सऊदी अरब, दुबई, इंडिया, इस तरह से 26 लोग हैं। फॉर्मर प्रोवाइस चांसलर साहब भी सैयद अली साहब इसमें जूरी मेंबर्स में। वो जूरी डिसाइड करेगी कौन 3 लोग फाइनल में जाएंगे। बल्कि मैं आपको बड़े फख्र और खुशी से ये बात बताना चाहता हूँ कि 3 नहीं, हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं और ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 3 नहीं, 5 लोग फाइनल में जाएंगे और 1 नहीं, 3 लोगों को इनाम दिया जाएगा। मैं तलाश में हूँ कि सेकंड और थर्ड प्राइस के लिए अगर कोई स्पॉन्सर करता है, नहीं तो वर्टेक्स इवेंट्स अपने पास से जो भी बन पड़ेगा करेगी, लेकिन हम 3 लोगों को इनामात देंगे। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस, नॉट ओनली फर्स्ट। इवेंट में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है 3 की जगह 5 लोग फाइनल में जाएंगे एंड 3 प्राइजेस नंबर 1। उसके बाद जो हमारी फाइनल इवेंट की जूरी है वो फाइनल इवेंट लाइव होगा वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मसूर साहब की सरपरस्ती में होगा। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, और हमारे साबिक वाइस चांसलर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल समरुद्दीन शाह साहब प्रेजेंट होंगे, जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब होंगे, प्रोफेसर सुफियान बेग साहब, मोहतरम तारिक चौहान साहब और जनाब अली रिजवी साहब अमेरिका से। ये हमारे जूरी मेंबर्स होंगे जो कि आपको फाइनल राउंड में जज करेंगे और उसी वक्त आप लोगों को 1, 2, 3 इनामात से नवाजा जाएगा। आप लोगों को जो आपका कंटेंट प्रीलिम्स में था उसी को इलेबरेट करना है 7 मिनट्स। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, 1 नहीं 3 प्राइजेस इंशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे जूरी मेंबर्स का जिन्होंने हमारा साथ दिया। और इतना आसान काम नहीं है, इतने सारे एंट्रीज आई हैं हमारे पास, उनको बार बार, एक बार सुनने से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, बार बार देखना उनको, उनको सही जगह रखना और उसके बाद अपना रिज़ल्ट बताना,
इसी तरह से फाइनल में इतने मोतबर लोग जो अपना वक्त दे रहे हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। वाइसचांसलर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जनरल शाह का शुक्रगुजार हूँ, फैज़ान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं। आप वाइस चांसलरशिप के साथ साथ आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोग्राम टीवी पे हमेशा बिजी रहते हैं, हम लोग देखते हैं बड़े फ़ख्र से कि फैज़ान साहब हमारे सामने हैं। सुफियान साहब जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एलुमनाई अफेयर्स के चेयरमैन हैं, आप हमको टाइम दे रहे हैं। और एक बहुत ख़ास शख्स जो कि हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उनकी सरपरस्ती अली बरादरी के लिए हमेशा रहती है दुबई में, जनाब तारिक चौहान साहब, EFS के ग्रुप CEO। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनको जैसे ही मैंने अपना आइडिया बताया, विद इन 1 मिनट उन्होंने गो अहेड बोल दिया और बोले कि ठीक है करो। अलीगढ़ के लिए कुछ भी होता है वो हमेशा हाजिर रहते हैं। अली रिजवी साहब बहुत दूर हैं हम लोगों से, US में हैं, मगर ऐसा कभी नहीं लगा कि वो US में हैं या दूर हैं हमसे। हमेशा एक कॉल पे, एक व्हाट्सएप मैसेज पे वो हमारे साथ रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला रिज़ल्ट भी उन्हीं का आया है आउट ऑफ 26, और ज़्यादातर जूरी मेंबर्स ने 1, 2, 3 या 5 तक बताया है। इन्होंने हर स्पीकर को जज किया, हर स्पीकर को मार्क्स दिए हैं, एवरी स्पीकर सेपरेट उन्होंने एक लिस्ट बना के माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से कलेबरेट करके भेजा है। इसी तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ द बर्नी शो का, हमारे दोस्त शहजाद आलम बर्नी, जो अपने मीडिया चैनल पे इन्होंने प्रमोट किया इस इवेंट को बहुत, और जितने हमारे दोस्त यहाँ दुबई में जुड़े हुए हैं, हमने कुछ ख़ास हमारे दोस्त हैं जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं, सर सैद के मद्दा हैं, उनको भी भेजा मैंने आप लोगों के जो जज करने के लिए रिजल्ट्स को, तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ मैं। और आखिर में 18 जुलाई, डोंट फॉरगेट, 18 जुलाई को हम लोग एक नई तारीख लिखेंगे, जो आप लोगों ने बोला है, जो आप लोगों ने YouTube पे रिकॉर्ड किया है, उससे अच्छा आप लोग बोलेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और हौसला बुलंद करेंगे, अलीगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरह से हम लोग, ये एक पहला नहीं है, ये शुरुआत है, और भी प्रोग्राम करेंगे। एक बार फिर से, अगर कोई शख्स 2nd और 3rd प्राइस स्पॉन्सर करना चाहता है, प्लीज़ कॉल मी बैक। हम इन बच्चों को बढ़ चढ़ के नवाजना चाहते हैं आपकी मदद से, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब मिल के करें अलीगढ़ के लिए कुछ इंशाल्लाह, और आइंदा भी हमेशा करते रहेंगे। 18 जुलाई, डोंट फॉरगेट, लाइव इवेंट में हम सबको साथ रहना है, एक साथ इन बच्चों को हौसला देना है, इन सबको हौसला देना, बच्चे नहीं, इसमें 2-3 बहुत सीनियर हजरात भी हैं, हमारे राहत अब्रार साहब हैं, कुवैत से मुजीब भाई हैं जिन्होंने आई बिलीव 92 में इंजीनियरिंग करी थी, समीना आपा हैं बहुत अच्छी ओरिएटर, तो कंपटीशन टफ है मगर अच्छा है, मज़ा आएगा, सर सैद के ऊपर है। शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।